अंतर में आज हम बात करेंगे कि आजादी के इतने साल के बाद जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या सफर तय किया है, हमने शुरुआत कैसे की थी और 2020 तक आते आते हमने कितने पड़ाव पार किए या कितने पायदान हम ऊपर आए हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दुनिया के दूसरे देशों से, तो फिर हम कहां पर खड़े दिखते हैं, चाहे वो बात शिक्षा की, चाहे वो रोजगार की हो या आत्मनिर्भर की, ये तीनों में कहां पर हमने तरक्की हासिल की है, कहां पर चुनौतियां हैं और सबसे अहम सवाल रुकावटें हैं क्या, किस स्तर पर, और उन्हें कैसे दूर करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं। और इस पर खास बातचीत करेंगे अपने तीन बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद है दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट है, बहुत स्वागत मैम आपका। हमारे साथ खास मेहमान है जानवी फूकन जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO से, मैम बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ खास मेहमान शिप्रा माथुर है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, शिप्रा बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में दीपा जी आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप आजादी की बात अब तक देखें तो किस तरीके से आप देखती हैं महिलाओं के सफर को, उनके एम्पावरमेंट को लेकर, और जहां पर आज हम खड़े हैं 2020 में, स्पेशली मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रहा हूं, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो संतोषजनक स्थिति है? देखिए, परिवर्तन निरंतर होता है, तो हम आज अगर ये कहें कि कुछ भी संतोषजनक है तो हमें आज रुकना नहीं है, हमें हमारा परिवर्तन, हमारी तरक्की, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस पे लगातार काम, ये तो हमें जारी रखना ही है। और रही बात बदलाव की, अगर हम आजादी से लगाकर आज के भारत को देखते हैं, नए भारत को देखते हैं, तो मैं खिलाड़ी हूँ और मैं आपको अपने नजरिए से एक बात बताती हूँ कि कल ही हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट किया है, और अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो 5 खेल रत्नों में से 3 खेल रत्न महिलाओं ने जीते थे। और साथ ही में कल, क्योंकि ये नेशनल स्पोर्ट्स डे था, मैं गांव में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गांव में जाकर वहां पे खेल का प्रोत्साहन और प्रमोशन के लिए मैं गई थी, और उस गांव में पहुंचकर मैंने एक रिमोट एरिया के प्रांगण में ये देखा कि कबड्डी का एक मैचेस वहां पे रखाए गए थे रूरल बच्चों के लिए, तो दाहिने हाथ पे लड़के खेल रहे थे और बाएं हाथ पे लड़कियां खेल रही थी, एक ही प्रांगण में, एक ही गांव में, और 16 गांव की बच्चियां वहां पर आई थी और उनके दादा दादी उन्हें लेकर वहां पर आए थे। तो सोच में फर्क बहुत आया है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम ये कहें कि कुछ इश्यूज हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो वो केवल भारतीय नहीं है। मैं पिछले वर्ष एम्बेसडर रही हूँ, फेलो रही हूँ न्यूजीलैंड की, और मुझे मौका मिला एज अ स्टेट गेस्ट एम्बेसडर बनकर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, वहाँ की महिलाओं के जितने भी संघ थे उनसे मेरी बातचीत हुई, और वहाँ जाकर भी मैंने देखा कि जो बातें हम इक्वालिटी की कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जो सशक्तिकरण की अपॉर्चुनिटीज की और जो एक पाइपलाइन में वुमेन लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, तो वो मसले वहां भी है जितने यहाँ पर भी हैं। तो ये एक यूनिवर्सल बात है जिसे हमें सबको मिलकर आगे लेकर जाना है। फुकर मैम, क्योंकि अगर मैं, आप उस फील्ड से आती हैं, यानी कि उद्योग जगत और देश में जो आंकड़े हैं वो अगर हम इंडस्ट्री को वुमेन के साथ जोड़कर देखें तो बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी रफ्तार आई है, काफी ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। इस सेक्टर में पूरे में अगर मैं बात करूं, किस तरीके से बदलाव होता देखा है आजादी के बाद से अब तक, अगर महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, और खासतौर पर 90 के दशक के बाद जब बाजार इकोनॉमी खुली और एजुकेशन के नए स्तर हमने देखे देश में, क्या उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है यहाँ पर महिलाओं को ऊपर लाने, खासतौर पर उद्योग जगत के साथ जुड़ने में? So, from as a representative of the women's wing of FICCI, the women's organization, our main objective we feel is that to take women on the path of empowerment
India's women have come forward a long way, and we at Flo work in three different levels for women's empowerment, and we find that economic empowerment is the key. Is the key to have women work side by side with the men. From Roka population of 1.3 billion, we women are 49% of the population, and we have to play an equal role in this development. So towards that, Flo has identified that education and fostering entrepreneurship is the main goal. Just say women can find their self-confidence and go forward side by side with the men. We find on all these years, जो हम लोग काम कर रहे हैं वुमेन का साथ तीन लेवल में, दैट सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर्मेशनल स्किल्स बहुत जरूरी है. एजुकेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम, वो जब कॉन्फिडेंस आते हैं हम लोग का औरत की, दे कैन डू वंडर्स. वैसे भी वी हैव सीन वुमेन हैव गॉन फॉरवर्ड इन सो मेनी लेवल्स, और बहुत करने हैं, बट वॉट वी हैव ट्राइड इन फ्लो टू डू, हम लोग इन एनी चैप्टर out of our 17 chapters in India, 8,000 women members that we have, we encourage that we want to adopt a village in each of the chapters. And in that model, we hum log ka skilling development hota hai, we do transformational life skills to empower women to think and get that, gain that confidence. Education, gain confidence, foster entrepreneurship. Work karke, one by one, the women will come forward, and that is our goal. And in the urban sector, where we have our young, educated, unemployed, what we have emphasized here in the adopting the ITI, the Industrial Training Institutes, what we have the government courses here, we also work from Flo. We are mentoring. Mentorship is a very big tool for women to come forward to the next level, to be engaged and to be mentored and handheld. We can't leave khali skilling karke chhodne se nahi hoga. In logo saath mein mentorship karke, role model offer karke, our women and our young people can go forward. That is another important thing that we are carrying forward in Flo. And those are some of the objectives that hum log baat kar rahe hain, aur aage bhi industries ka bare specifically I can speak about if you would let me. Okay. I basically hum bhi entrepreneur hai. I've been 30 years an entrepreneur from Assam. Tourism industry ka saath very closely associated hai, and tourism is one industry which is bahut people centric hai, low capital but human resources zyada chahiye. And for women, it's a very good industry to be in. It is like part of what they are doing in their lives. So sustainable development are the key. Right. For industries, with Flo, we have tied up with the Ministry of Tourism for MOU to train women in the new standards of protocol in the past COVID times. So that will help women again to find their places in the tourism sector around the country. In all the parts of our chapters, tourism is one of the big answers. मैं इस पर भी डिटेल में आऊंगा कि सेक्टर वाइज कहां पर किस तरीके से स्कोप दिखा है, बदला है. लेकिन शिप्रा, दो महत्वपूर्ण चीजें मैं समझना चाहूंगा और दर्शकों के नजरिए से भी, जब आज हम बात करते हैं, चाहे वो उद्योग जगत रहा हो और चाहे वो खेल के मैदान रहे, या फिर मैं कहूं कि रिसर्च राजनीति का क्षेत्र रहा हो, जो एक डिवाइड पहले कहा जाता था रूरल और अर्बन इंडिया में सोच को लेकर महिलाओं के प्रति, वो किस तरीके से बदला है और किस दिशा में बदलता हुआ नजर आ रहा है? कविन जी, गांव और शहर की जो तब्दीली की बात है, उसमें एक थोड़ा सा हम लोग अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले तो जो संविधान है हमारे देश का, उसका अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जब बराबरी की बात, तो वो कहता है कि बराबर हैं सभी नागरिक, लेकिन वो ये भी कहता है कि महिलाओं और बच्चियों के पक्ष में, अगर बच्चों के पक्ष में
हमें पॉलिसीज बनानी पड़े या नीतियां बनानी पड़े, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की संविधान हमारी बात करता है। दूसरी बात जो आप ही की बात से मैं जोड़ रही हूँ कि 1974 में एक नेशनल स्टेटस ऑफ वुमेन जो टुवर्ड्स इक्वालिटी जिसका उस रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट ये कहती है कि महिलाओं पर दोहरी मार है काम की, और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो वहां पर काम करती हैं। तो हमारा जो देखने का नजरिया मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि गांव में आज भी आबादी जो है 60 से 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, और जो तब्दीली का जो रास्ता है और जो पैरामीटर्स हैं मुझे लगता है कि वहां से ज्यादा उठ के आते हैं। तो एग्रीकल्चर जो आप कह रहे हैं कि शहर और गाँव में जो बदलाव है, और गाँव जो है वो बड़ा पैमाना है, तो गाँव की जब हम बात करें तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि वहां पर जो सोच आप कह रहे हैं, तो जितनी भी नीतियां आज हम देख लें कि आजाद भारत के दौर से अभी तक देखें, और खासतौर से 5-7 साल में अगर हम नीतियों को देखें, तो हमने जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी जो बनी है, सीडो का जो कन्वेंशन है जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो यूएन कहता है, उसको भी हमने रेटिफाई किया, और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय बातचीत जो महिलाओं के बराबरी को लेकर या उनके खिलाफ जिस तरह का व्यवहार है उसको दूर करने को लेकर होती है, उसमें सब भारत हमेशा से भागीदारी करता रहा है। और पिछले सालों में जो नीतियां बनी हैं, उन नीतियों में कहीं मुझे कमी नहीं लगती। हाल ही में आपको हम सबको जानकारी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, नवंबर के आसपास आने वाली है विज्ञान की नीति, तो विज्ञान का भी जो विभाग है वो कहता है कि वुमेन इन साइंस की बात कर रहा है। मुझे लगता है नीतियों में कहीं कोई कमी नहीं है, और बहुत आगे हम कुछ आगे तो बढ़े हैं। पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो लोकसभा में जो 4% महिलाएं हुआ करती थी शुरुआत में, आज करीब 11-12 तक हम पहुंचते हैं, और आज के दौर में सबसे ज्यादा जो भागीदारी मतलब मौजूदगी है महिलाओं की, वो आज इस पड़ाव पर हमें समझ में आती है। बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव जिस पेस से हमें दिखना चाहिए, और सोच में बदलाव का एक पैमाना तो नीतियां जरूर है, लेकिन समाज का जो ढांचा है कविन जी, मुझे लगता है उस ढांचे में जो भूमिका सामाजिक संगठनों की होनी चाहिए, सरकारों की होनी चाहिए, नीति निर्माताओं की होनी चाहिए, और जो हमारा एक जो एक माहौल है उसको बहुत लोकलाइज तरीके से उसको समझकर महिलाओं के साथ काम करने की जरूरत है। और जो आप बात कह रहे थे कि विमेन एम्पावरमेंट में सबसे मुख्य पक्ष जो है वो है आर्थिक पक्ष। आप गाँव में जाएंगे, हम ये कहते हैं कि जब एग्रीकल्चर नीति आती है तो वो तो आज भी हम इस लिहाज से नहीं देखते हैं कि महिला, अगर हम किसान का नाम देते हैं तो आज भी महिला हमारे सामने उसका चेहरा नहीं आता है। तो महिलाओं के प्रति नीतियां हैं, फैसले हैं, निर्णय हैं, जेंडर बजट की भी हम बात करते हैं, लेकिन जेंडर बजट की चर्चा हम कितनी करते हैं ये हम भी जानते हैं। तो कहीं आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे गैप्स अभी भी मुझे लगता है गवर्नेंस के गैप हैं, और सोच बदली है गाँव में। मैं आपको शायद और पैनलिस्ट से आप बात करेंगे उसके बाद मैं अपनी बात एक बहुत खूबसूरत एक वाक्य आपको सुनाऊंगी। अभी कुछ पिछले हफ्ते ही मैं एक यहाँ का ट्राइबल गाँव है, आदिवासी महिला है, और उनको वो जैसे प्रतिमान है हमारे यहाँ, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने की जो मजदूर थी लेकिन आज वो बड़ी किसान है वहां पर, तो वो बदलाव कैसे आता है, वो सहकारिता का भाव कैसे आता है, वो साझा सामूहिक सोच कैसे बदलती है, और पूरा गांव में तब्दीली जो होती है वो सौ अकेले एक गांव में नहीं, जब महिला नेतृत्व में आती है तो उसका एक गाँव ही उसके आसपास के पूरे 100 गाँव कैसे बदलते हैं, ये कहानियां हमें जरूर जाननी चाहिए। बिल्कुल दीपा जी, मैं 2-3 चीजें समझना चाहूंगा कि आप जिस जगह से आई और जिस तरीके से आपने मुकाम हासिल किया, एक लंबा स्ट्रगल आपका रहा है, लेकिन उसके बाद आपने नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों में जाकर देखा और समझा कि किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं। और बहुत अहम बात कही शिप्र ने कि नीतियों के लिहाज से हमने बदलाव किए हैं देश में और वो नजर भी आ रहे हैं, लेकिन हर्डल्स हैं क्या? क्योंकि जब हम देखते हैं रोड मैप बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब 49% हमारी आबादी में हम नंबर्स को देखते हैं तो वो 10-12-15% के आसपास तक सिमट जाते हैं सभी क्षेत्रों में। हर्डल्स चुनौतियां हैं क्या आपकी नजर में, जहां पर हमें अब ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? मेरी समझ में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो डेफिनेटली सामाजिक सोच रहेगा, जो एक स्टीरियोटिपिकल ढर्रा जो ढांचा है जिसमें एक क्लियर डिवाइड है, जैसा कि अभी शिप्रा जी ने भी कहा कि किसान का चेहरा आपका हमेशा एक मेल चेहरा आता है। अगर आप कहें गाड़ी पंचर हो गई है तो एकदम से जो मैकेनिक सामने दिखाई देगा वो मेल मैकेनिक दिखाई देगा, कि टायर बदली केवल एक आदमी ही कर सकता है। सो ये जो डिवाइड है, और खासकर महिलाओं के लिए भी जो वर्क लाइफ का जो एक डिविजन है,
वो भी अभी पूरे बैलेंस में नहीं पहुंचा है. एजुकेशन इज मस्ट, तो आप देखेंगे गांव की अब हर बच्ची पढ़ने लगी है, लेकिन वो पढ़ने लगी है लेकिन उस पढ़ाई का आगे जाके उसने क्या करना है वो अभी स्पष्ट नहीं है. पढ़ लेती है, पहले ये था पांचवी पास है, फिर होने लगा जी हमारी लड़की मैट्रिक पास है. आजकल हर गांव में बीए पास लड़की आपको आराम से मिलेगी, और ये भी जरूरी हो गया है कि हाँ ग्रेजुएट बच्ची जब हो जाएगी तब उसका विवाह करेंगे, यहां तक की सोच आ गई है. पहले जो विवाह 16 वर्ष में हो जाता था या 17 वर्ष में हो जाता था, अब वो ग्रेजुएशन तक मान लिया जाता है कि बच्ची ग्रेजुएट होगी. लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद जो उसने हुनर सीखा है, जो पढ़ाई करी है, वो क्या वाकई ही तब्दील होती है उसके कार्य क्षेत्र में, या वो फिर शादी कर केवल अपना घर चलाती है. बींग अ होम मेकर इज नॉट अ बैड थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज रॉन्ग, बट when we talk about contribution of women towards the progress of the country, then I think usko aur roles apnane honge, aur aur roles apnane ke liye usko wo opportunities deni padengi. Homemaker hote hote wo agar kuch hunar karti hain, entrepreneurship karti hain, to bhi wo desh ki economy mein yogdan deti hain, wo kahin jaakar kaam karti hain to bhi wo us desh mein tarakki mein yogdan deti hain. Main khud motivational sessions karti hu, aur aksar मुझे मोटिवेशनल सेशंस के लिए इसीलिए बुलाया जाता है कि एक लड़की पढ़ती है, फिर वो एक ट्रेनिंग में किसी कॉर्पोरेट में जाती है, और दो साल वो कंपनी या वो जो भी उसके एम्प्लॉयज होते हैं उस पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उस पर उसको सैलरी दी जाती है, उसे और ट्रेन किया जाता है, उसकी स्किल को डेवलप किया जाता है, लेकिन विवाह होते ही वो काम छोड़ के चली जाती है. तो ये भी एक मुझे लगता है कि नीतियां अपनी जगह है, पॉलिसीज भी बन रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत जोर जोर पकड़ा है, और इसका असर नजर भी आया है. जो मापदंड है, जो रेशियो है बॉय गर्ल का, वो बहुत बेहतरीन हुआ है. मैं तो खुद हरियाणा से हूँ, मैं इसका साक्षात इम्पैक्ट देख रही हूँ. लेकिन लॉन्ग टर्म जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए लॉन्ग टर्म जो है एक, तो वो अभी जो डिवाइड अभी भी मेंटल डिवाइड है कि औरतों के लिए बस इतना ही और मर्द का ये क्षेत्र है, औरत का ये क्षेत्र है, शायद उस सोच को अभी बदलना वो सबसे बड़ा एक हर्डल आता है. ये बात बहुत अहम आपने कही दीपा जी, और मैं शिप्रा थोड़ा सा इसमें चाहूंगा आपकी राय, क्यों जिस तरीके से हम दो चीजें, एक तो सामाजिक सोच जो बंटवारा एक देखा जाता है एक आदमी और एक औरत के बीच में वो बदला है, लेकिन क्या यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि महिलाओं को भी उस सीमा रेखा को तोड़ना है खुद, जिसको पहले कभी किसी ने खींचा था और वो उसे तोड़ने में अभी भी थोड़ी सी झिझक या उस तरीके से जो पारिवारिक झिझक मैं कहूँ वो कहीं दिखती है रूरल इंडिया में खासतौर पर. ठीक बात है जो आप कह रहे हैं कविन जी, और उसमें मैं मुझे लगता है कि जहां जहां सार्थक दखल, मैंने दोनों तरह के मॉडल्स देखे हैं, और अभी जो मैं आपको उदाहरण देना चाहती थी, एक गांव है, यहाँ से ट्राइबल बेल्ट है पूरा, 12 जिला है राजस्थान का, और वहाँ के एक इलाके में कोता भाई जो थी वो ट्राइबल महिला थी, और पलायन करना पड़ता था, मजदूरी करनी पड़ती थी. लेकिन देखिए सोच बदलने के लिए की एक प्रक्रिया होती है, और वो जहाँ जहाँ सार्थक दखल चाहे सामाजिक संस्थाओं की हो सरकारों की हो, तो वहां पानी की दिक्कत थी, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जितना भी भार है, जितने भी कष्ट हैं समाज के, उनका सारा भार जो है वो आखिर में महिलाओं पर आकर टिकता है. तो पानी लेना हो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हो, बीमारी हो, तो वो सारा बर्डन जो है महिला पर बहुत ज्यादा आता है. उस महिला ने, जब आप बात करेंगे उन महिलाओं से, मुझे लगता है इस तरह के प्रोग्राम्स में उन महिलाओं को शायद मौका ज्यादा देना चाहिए कि वो अपनी बात अब बहुत अच्छे तरीके से आज अपनी बात कह पाती हैं. 20 साल में, सिर्फ 20 साल लगे कविन जी तब्दील होने में, उस महिला को सिर्फ हमने इतना सा सोच दिया कि तुम्हारी मेहनत से ये सारा तुम्हारे जो कष्ट है वो दूर हो सकते हैं, और परिवार ने थोड़ा सा साथ दिया. ट्रेनिंग्स में गई तो वो हमेशा ये कहती है कि मेरे को जो प्रशिक्षण मिला उससे जो मेरा सोच बना, आज स्मार्ट फार्मिंग कर रही है और आज सालाना 4 लाख रुपए कमाती है, जो कभी खाने को भी मोहताज थी जो महिला. और अकेली नहीं है, उसने छोटी छोटी बचत, देखिए जो छोटे छोटे से पैमाने हैं हमारे, बदलाव वहां से आता है. उन्होंने छोटी बचत करनी शुरू की, छोटे छोटे लोन्स देने शुरू किए, पानी का काम वहां पर शुरू किया, एनिकट्स बनवाए,
आज बच्चियों को स्कूल भेजने का काम करती है, क्योंकि उस सोच में खुद तब्दीली आ गई और तब्दीली को वहां के आसपास के गांव ने महसूस किया। तो वो जो टेक चेंज जिसे हम कहते हैं अर्बन का, आप देखेंगे कविन जी तो अर्बन में आपको जो डेटा एक मैंने पिछले दो साल एक दो साल पहले देखा था, वो कहा जाता है कि अर्ली स्टार्ट बट अर्ली एग्जिट। मैं अक्सर जो है बच्चियां स्टार्ट करती हैं, बहुत अच्छा करियर होता है जो दीपा जी और आपने इंगित भी किया, स्टार्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन फिर जो स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, पारिवारिक स्थितियां और जो खुद की झिझक भी आप जो कह रहे, क्योंकि हमने उसको उस तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन गाँव में मैं कहती हूँ कि निश्चित तौर पर जहां जहां सार्थक दखल है और जो विजन जो आया है वहां पर आपको बहुत सारी तब्दीलियां, सोच की तब्दीलियां, सामाजिक बदलाव की तब्दीलियां। और देखिए एक महिला, एक से एक महिला जब नेतृत्व में आ जाती है, उस महिला ने दो एनिकट्स वहां पर बनवाए और एक घटना छोटी सी है कि एनिकट टूट गया तो पूरा झिझक थी पूरे गांव में कि एनिकट टूट गया तो भाई कौन इसको तैयार करेगा, किसका है। वो महिला जूझती रही 3-4 दिन तक, तब कर उस महिला ने काम किया। वो जो पूरा पथरीला इलाका था, उस पथरीले इलाके को पूरा हरियाला, आज पूरा इलाका जो है न केवल पूरा फार्मिंग है वहां पर बल्कि आसपास के 100 गांव की 5,000 महिलाएं, 5,000 महिलाओं का समूह बनाना, आज अर्बन में हम बैठ के सोच भी नहीं सकते कि हम 5,000 महिलाओं का नेटवर्क हम बना सकते हैं। लेकिन सोच की जब बात कहते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अकेली महिला का योगदान नहीं, बहुत समाज का, परिवार का, संगठनों का बहुत सारा। चित्रा जी आपने बात कही कि मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा और फूकन मैम आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब फीमेल की बात आती है, महिला की बात आती है, क्योंकि वो उसको एक टैग कर दिया गया कि घर चलाती है बेहतर तरीके से और वो वही चलाएं। लेकिन रिसर्च जो कहती है कि जो लीडरशिप क्वालिटी है, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में या किसी दूसरे फील्ड में, वो पुरुषों के मुकाबले करीब 27% ज्यादा क्वालिटी या पोटेंशियल दिखता है। हालांकि ये सरकारी आंकड़े नहीं है, मैं इसलिए बताना चाहूंगा दर्शकों को, बिजनेस के फील्ड में किस तरीके से आपने देखा है कि जब महिलाएं लीड कर रही होती हैं या बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं तो किस तरीके का बदलाव दिखता है उस सेक्टर में, उस एंटरप्रेन्योरशिप में या उससे जुड़े लोगों के साथ। यस, सो ये तो है ही बात, एंड इंडिया के लिए, फॉर आवर कंट्री, नैनो एंटरप्राइजेस, नैनो एंटरप्रेन्योर्स कमिंग अप, दैट इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। अभी वन इट्स अ प्रूवन फैक्ट, तो महिला इन द लेट्स से कॉर्पोरेट मे बी वी हैव अ वुमेन एम्प्लॉय, शी विल इंश्योर दैट और औरत को चांस दे काम के लिए, और मिडिल सेक्टर में हो, अ वुमेन विल ऑलवेज हेल्प द अदर वुमेन अलोंग, एंड इन द रूरल एरियाज एज वेल। अभी आप देखो फॉर एग्रीकल्चर, दैट माई प्रीवियस स्पीकर अभी बात किया था, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर in the country. Second ho gaya handloom. Where I come from, northeast mein, agriculture and handloom was side by side hai. Women weavers are 77% of the weavers in the northeast. Aur wahan mein side by side kaam hota hai. So women can take forward all their work and education ke liye bhi they work with their children. So we find that enterprise building and more career path, vocational ideas, or if you give the woman, she will learn more. And I think that the self-help groups, at least in the Northeast, it has done a lot of work. Bahut empowerment kar diya woman ka, and the idea that women can work together and form small businesses, it's a real fact. And waise it has contributed to the children, to the business, to the economy and the rural levels. Now, hum log jab flow ke bare mein baat karte hain, when I came in here in my this year saal lo mein, mera main mission tha for sustainable livelihood, jaise humne bola tha. So then flow, what we did, we partnered with a consulting agency, Netherlands ka, jiska naam hai Women on Wings. Un log last since 2007 rural areas mein kaam kar rahe, and they are working with women led enterprises. So only certain areas, verticals, we are like cluster, textile cluster, agri cluster, non timber farm produce, concentrate on those and try to raise the women. So that has been our hope, that first we will want to connect them
our village adoption program, get them to raise these women up, because women are interested in working. The self-help groups are producing results. I will give you another example. In the when the migrants are coming back to the small towns, to the villages, and when you see the retail malls were closed during COVID time, because abhi slowly open kar rahe, but a lot of young women, we are very proud to say that from our chapter, we are training them to ride the two-wheelers under our organization called Hey Didi. So in May, girls are being empowered to not only learn to ride two-wheelers, but also get the license. And they're helping in the whole ecosystem. Jo abhi e-commerce ka upar itna dependent hai, the delivery girls ho gaya. So that is, and that has led to a transformation. Ki first challenge tha ki ghar se kaise jaun, kaam naukri kaise karu, but now the mothers-in-law, the mother-in-law saath mein le, so when mother-in-law sees that inka bhi earning ho raha, inse bhi paisa aa raha, there has been a great supportive thing. So women have to help each other. That is amazing. Help each other. We are getting there. Handloom, agriculture, nano enterprises, these are the way which will start and will connect Bharat to India in nano entrepreneurship. Okay. Deepa ji, main aakhir mein do cheeze. एक तो ये कि जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और जो रास्ते खोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं महिलाओं को लेकर या यंग जो वुमेन्स आ रही हैं फील्ड में, आपका संदेश क्या है उन लोगों के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए या परिवारों के लिए जो कि परिवार की जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानती है, टॉप प्रायोरिटी होती है, लेकिन उसके चलते वो अपनी जो टैलेंट है या जो उनको पोटेंशियल है उसको, जैसा कि शिप्रा ने कहा था कि अर्ली स्टार्टर है लेकिन अर्ली एग्जिट भी कर लेती है, क्या उससे बचना चाहिए और कैसे? देखिए, मैंने तो एंट्री ही बहुत लेट ली थी. 36 वर्ष की आयु में तो मैंने खेलना शुरू किया था. 30 वर्ष की आयु में एक तरीके से मेरे को मेरा शरीर लकवा ग्रस्त हुआ था. सो आई थिंक ये सिर्फ एक वनस्थिति है कि हम महिलाएं किसी भी उम्र में या कैसे भी शरीर में हम अपना योगदान नहीं दे सकती, या हम खुद ही अपने आप को एक किसी ना किसी बेड़ी में बांध लेती हैं. और मेरे ख्याल से इसमें एक चीज मैं जरूर अंत में जरूर ये जोड़ना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है पे पैरिटी को रिमूव करना, क्योंकि जितने घंटे एक महिला काम करती है और जितने घंटे एक आदमी काम करता है, लेकिन पता नहीं क्यों तनख्वाह नॉर्मली देखी जाए, चाहे आप बॉलीवुड में देख लीजिए, चाहे आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, महिलाओं की जो तनख्वाह है या मिस्त्री भी अगर वो है, वो मजदूरी भी कर रही हैं, तो उनकी सैलरी में हमेशा फर्क रखते हैं. तो आई थिंक ये फर्क भी हटाना बहुत जरूरी है, और इस पे कोई निश्चित लॉ भी होना चाहिए कि नहीं, कहीं भी क्षेत्र में किसी भी दफ्तर में पे पैरिटी नहीं होनी चाहिए वो. और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि खिलाड़ी होने के नाते जब हमारा मेडल आता है तो उसमें कोई महिला मेडल या पुरुष मेडल के नाम से नहीं होता है, तो वहां से एक बहुत बड़ा उदाहरण लिया जा सकता है. और दूसरी चीज मैं कहूंगी कि अवसर जरूर दीजिए महिलाओं को. मैं छोटा सा एक फाउंडेशन चलाती हूँ, उसके तहत हमने यूपी का तिल बेगमपुर करके एक गाँव है, मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है, और वहां पे हमने एक टाइल इंडस्ट्री, टाइल फैक्ट्री के साथ मिलकर उनके बाथरूम्स को रेनोवेट किया था. उस गांव के स्कूल में जब हमने लड़कियों के बाथरूम को बनाया, उसमें उनको सेफ जगह बनाई, तो मैं उस स्कूल के साथ आज 4 साल से काम कर रही हूँ. और धीरे धीरे मैंने देखा है कि जो हम इंसेंटिव्स रखते थे मैक्सिमम अटेंडेंस की, कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा अटेंड करेगा उसको हम ये तोहफा देंगे, किताबें देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, अब आज 4 वर्ष के बाद हालत ये है कि लड़कियाँ सारे प्राइज जीत रही हैं, लड़कियाँ ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि उस स्कूल में एक बहुत साफ स्वच्छ माहौल है और एक सुंदर बाथरूम है जिसमें लड़कियां आराम से वहां स्कूल अटेंड कर सकती हैं. सो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें, कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसे जरूरी बदलाव बहुत जरूरी हैं. तो महिलाओं से भी मेरा निवेदन ये है कि अपने आप को किसी भी मानसिक बंधन में ना बांधिए. अगर एक दीपा मलिक छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त लिए आज 50 साल की उम्र में भी खेल रही है और नए नए हुनर सीख रही है, तो किसी भी महिला के लिए मुश्किल नहीं है. सिर्फ एक सीखने का जज्बा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और
देश के लिए कुछ योगदान करने की तत्परता होनी चाहिए। उसी को मैं ट्रू पेट्रियोटिज्म मानती हूँ कि अगर आप अपने से ऊपर उठकर समाज में कुछ योगदान नहीं दे रहे हैं तो क्या आप वाकई अपने देश के एक अच्छे नागरिक हैं, जिसमें महिलाओं का दायित्व उतना ही है जितना एक पुरुष का है। बिल्कुल, वक्त कम है लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसे कि दीपा जी ने कहा और बहुत अहम है कि अगर देश के संविधान को देखें तो बराबरी का अधिकार दिया गया है और अधिकार के साथ मौके भी दिए गए हैं। पॉलिसी के जरिए सरकारों ने अलग अलग योजनाएं लागू की हैं और उन योजनाओं का लाभ आप महिलाओं को लेना है, वो आपका हक है।